साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव, आप सबका ट्यूटर लाइव में स्वागत है। साथियों अभी जो लाइव का उद्देश्य मेरा यही था, अभी पुलिस प्रशासन से यानी कि डिप्टी हरेंद्र जी महावर जी का फ़ोन आया, महावर जी का, और उन्होंने कहा कि कल कोई प्रोग्राम है, आप 1 बजे प्रोग्राम कर लीजिए। तो साथियों सभी तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि कल सुबह 10 बजे के बजाय आप 1 बजे पहुँचे, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने हमें 1 बजे की अनुमति दी है। लेकिन साथियों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि अभी आपके सामने एक बड़ा खुलासा भी करूँगा। मेरे साथ नीमराणा जो मंडल में जो कमला देवी जो परीक्षा केंद्र था वहाँ का एक अभ्यर्थी मौजूद है। वहाँ का जो घटना हुई, जहाँ वहाँ का असली जो कांड हुआ, कल महाकांड होगा, वहाँ कांड हुआ था, कल महाकांड करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार वहाँ अभ्यर्थियों को पीटा गया, वहाँ बड़ी बड़ी किताबें मिली, नकल करवा रहे थे, वहाँ का कनेक्शन काट दिया गया, वहाँ सेंटर की मिलीभगत थी और वहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग उसमें लिप्त थे, लेकिन न तो उस स्कूल की मान्यता रद्द हुई है, न उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई है। कार्रवाई पता है किसके खिलाफ हुई है? उन 6 गरीब बेरोजगारों के ऊपर कार्रवाई है, जिनको ऊपर सरकारी कामकाज में बाधा पहुँचाने का यानी कि राजकार्य में बाधा पहुँचाने का मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको जेल में अभी भी डाल रखा है। उन 6 अभ्यर्थियों को अभी भी जेल से बाहर नहीं छोड़ा है। सभी साथियों से मैं निवेदन हूं कि आपके रगों में खून है तो कल घर से निकले सुबह और 1 बजे शहीद स्मारक जो पोलो विक्ट्री सिंधी कैंप के पास है, गवर्नमेंट हॉस्टल के पास है। पहले सुबह का प्रोग्राम था साथियों, तमाम यूट्यूबर तमाम फेसबुक वाले, जैसे ही ये मेरा लाइव खत्म हो तमाम ग्रुपों में ये मेरा वीडियो डाल देना, क्योंकि कल 1 बजे का प्रोग्राम हमने रखा है। क्योंकि प्रोग्राम में थोड़ा सा बदलाव इसलिए हो गया कि पुलिस प्रशासन का फोन आया था और उन्होंने कहा कि कल 10 बजे के बजाय 1 बजे आप लोगों को आना है, क्योंकि कल एक और प्रोग्राम वहाँ है, यानी कि कल कांग्रेस का प्रोग्राम बता रहे हैं और 1 बजे हमें बुलाया गया। तो साथियों कोई दिक्कत नहीं, हमने पुलिस प्रशासन से परमिशन ली है, परमिशन लेके कल का हम प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, सभी के माँ बाप की कसम है, सभी युवाओं का अपने भविष्य की कसम है, रीढ़ की कसम है, ऐसा ही कसम है, क्योंकि ये कसम इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो अभ्यर्थी बैठा है वो नीमराणा जो मांडल जो कमला देवी कॉलेज का परीक्षा केंद्र था वहाँ का, आपको यथास्थिति के बारे में पता चलेगा कि वहाँ क्या हुआ था वो बताएगा। भाई बताइए क्या हुआ था, आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम आटादी समाज को, मेरा नाम प्रकाश महिंद्रा है और साथियों मैं स्वयं माधोपुर का रहने वाला हूँ और जो मेरा सेंटर आया था वो मांडल एक जगह है, हरियाणा के टच में है, तो वहाँ पे एक निमराणा है, वहाँ पे तो उसके पास में एक स्कूल थी कन्या महाविद्यालय, वहाँ मेरा सेंटर आया था। वहाँ सबसे पहले बात तो ये थी कि 9:30 बजे बाद एंट्री बंद हो जाती है ना, ठीक है, तो वहाँ का जो प्रशासन वहाँ मौजूद था, उसके बाद भी 10:30 बजे तक एंट्री हुई, ठीक है, 10:45 तक हम वेट करते रहे, पेपर आएगा लेकिन पेपर नहीं आया, ठीक है, पेपर नहीं आया। उसके बाद में बच्चों के पास ओमआर शीट कैसे मिल गई भरी हुई, बच्चों के पास वो बच्चों ने क्या किया था, 2 या 3 ओमआर शीट आधी भर दी थी, उनके पास जब पेपर ही नहीं आया था तो ओमआर शीट कहाँ से भर दी गई थी। दूसरी बात ये थी कि कम से कम जंगल में 3 किलोमीटर कोई गांव नहीं था, जंगल था वहाँ पे, ठीक है, 3 किलोमीटर तक कोई भी गांव नहीं था, वहाँ जंगल था जहाँ सेंटर दिया गया था। और वहाँ पे दूसरी बात ये थी कि पूरा जो कॉलेज, इतना बड़ा कॉलेज था, वहाँ पे लाइट का कनेक्शन काट दिया था ताकि कैमरे में सारी चीज़ रिकॉर्ड है, कौन आ रहा है, क्या टाइमिंग है, इससे इसको आगे की किसी को भनक नहीं लगे, ठीक है। तो वहाँ पे इतनी बड़ी मिली भगत थी कि वहाँ का प्रशासन जो भी बच्चा बोल रहा था उसको दबा रहा था, उसको पकड़ रहा था और उनके खिलाफ धाराएं लगा रहा था। मेरे साथ में 6 बच्चे थे, हमारे साथ में प्रशासन हमसे ज़बरदस्ती, प्रशासन हमको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जा रहा था, गाड़ियों में ठूंस रहा था, ठीक है। और इतनी भयंकर मिली भगत थी कि, और मैंने मेरे हाथों से, मैंने मेरा जिस रूम में मेरा सेंट था उसके जस्ट बगल में CI साहब थे वहाँ के, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं जानता, उनके सामने मैंने कक्षा 6, 7, 8, 9 की बुक मैंने मेरे हाथों से निकाली, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब परीक्षा हॉल में केंद्र वहाँ पे किताबें मौजूद थी, भाई साहब जिस रूम में मेरा सेंटर रहता उसके जस्ट बगल वाले रूम में मैंने मेरे हाथों से 4 किताब निकाली थी, मैंने CI साहब को भी बताई थी, लेकिन हमारी आवाज़ को वहाँ पे दबा दिया गया था। बाद में प्रशासन आया था, हम जैसे जैसे उनके सामने बोल रहे थे, जो भी बच्चा खुल के बोल रहा था उनको पकड़ के और गाड़ी में भर के जबरन उनको थाने ले जाया गया था। साथियों ये वहाँ मौजूद परीक्षार्थी है और ये वहाँ परीक्षा देने गया था, इन्होंने कहा कि पास के बगल के रूम में किताब निकाली। सबसे बड़ा सवाल, जब 10:30 बजे तक पेपर नहीं आया तो जिन अभ्यर्थियों के पास ओमआर शीट चली गई थी उनकी आधी ओमआर शीट कैसे भरी गई, इसमें पूरी मिली भगत थी, कैमरों का कनेक्शन काट दिया गया। तो साथियों इसी चीज़ को उजागर करने के लिए
पारदर्शिता स्थापित करने के लिए, उसकी मान्यता रद्द करवाने के लिए। और साथियों अपने दिल पर हाथ रखिए, क्या वो उनकी गलती है जिन्होंने यह बेरोजगारों की आवाज़ उठाई, उन्होंने फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने विरोध किया कि पेपर दे दीजिए, उन 6 लोगों को जेल में डाल दिया। साथियों मुझे तो ऐसे लगने लग गया कि कल मुझे जेल में डाल दिया जाए, कल मुझे किसी अनैतिक कार्य में फंसा दिया जाए, क्योंकि मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये सरकारों के लिए उपेन यादव खतरा हो रहा है, कल मुझे किसी गांजे में हथियार में किसी चीज़ में फंसा के मुझे जेल में डाल दिया जाए या वैसे धरने प्रदर्शन के अंदर डाल दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है। जिस प्रकार आज 6 लोगों के लिए आप चुप रहो कि मेरे लिए भी तुम बोलोगे, यार वो 6 लोग भी केवल आप लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि वो गफलत धांधलियाँ फर्जीवाड़े उन सबकी आवाज़ उठा रहे थे। आज वो लोग जेल में क्यों है, क्या वो बाहर नहीं होने चाहिए? वो बाहर होने चाहिए, सख्त कानून नहीं बनना चाहिए। और जो 8:30 बजे जो पेपर आ गया था, 8:30 बजे पेपर आ गया था गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में, क्या उसका जवाब हमें नहीं चाहिए? ऐसा ही भर्ती में जो बीकानेर से पाली में जो पेपर आया, 12 लोग गिरफ्तार हो गए और उस मामले को दबा दिया कि वो पेपर कहाँ कहाँ गया था, ओमार सीट बाहर आ गई, वीडियो बाहर आ गया। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि कल 1 बजे शहीद स्मारक आप लोगों के लिए, आप लोगों को अपने भविष्य के लिए आना है। रीट एसआई वालों को नहीं है, जो और भी भर्तियाँ, जो पटवारी हो, जो आने वाली भर्तियाँ हो, कंप्यूटर भर्ती हो, भैया टेक्निकल हेल्पर भर्ती हो, तुम्हारी सारी भर्तियों का मामला भैया, सभी भर्ती का अभ्यर्थियों को आना होगा। अन्यथा आज मैंने कहा था ना, एसआई में चिल्ला चिल्ला के कह रहा था घपला हो रहा है, उसके बाद रीट में हो गया, धीरे धीरे सारे भर्तियों का नंबर आएगा। ये परीक्षार्थी वहाँ से मेरे पास ऑफिस में आया हुआ है और सारी चीज़ें आपके सामने बोल रहा है। सभी साथियों से मैं निवेदन करूँगा, कल आपका भविष्य का सवाल है। और यही कहना चाहूँगा कि हाँ, उन बहनों को भी न्याय मिले, काश अपने दिल पर हाथ रखिए कि वो आपकी बहन होती या आपके जो बड़े बड़े लोग बुजुर्ग देखे आपकी बेटी होती तो कितना दर्द होता। उनको न्याय मिले तो घर से निकले और साथ देने कल पहुंचे। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर एसआई भर्ती और रीट भर्ती में जो घपले हुए हैं, फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर लीक हुआ, उनको लेकर हम सब मिलकर लड़ेंगे। साथियों कल बड़ा आंदोलन है, आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सब लोग या कमेंट कर रहे हैं ये होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, वो होना चाहिए, अरे कम से कम तुम सड़कों पर आओगे। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी भूमिका है, आप सबसे मेरा निवेदन है। क्योंकि मैं अचानक लाइव इसलिए आया हूँ कि कल मैं लाइव आ चुका हूँ, लेकिन इसलिए आया हूँ क्योंकि समय बदल दिया गया, समय 10 बजे के बजाय 1 बजे कर दिया गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने फोन किया है। इसलिए साथियों, क्योंकि वहाँ हम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, क्योंकि हम हमारा जो आंदोलन शांतिपूर्वक बड़ा आंदोलन बना रहे हैं इसको, तो सभी साथियों से निवेदन है कि कल 10 बजे के बजाय 1 बजे शहीद स्मारक जयपुर पहुंचे, मैं वहां मौजूद मिलूंगा, कल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आप सबसे निवेदन है, कल पूछिए, सभी से निवेदन है, उन बहनों के लिए, उन 6 भाइयों के लिए, अपने भविष्य के लिए और उन लोगों को अंदर डालने के लिए जो 8:30 बजे उनके पास पेपर आ गया था। कई लोगों को रात को ही पेपर आ गया था, इसका खुलासा हो, जांच हो, जेल में हो, और जो इंतजार करे, जो तैयारी करे 3-3 साल से, उन लोगों को न्याय मिले, चाहे एसआई भर्ती का मामला हो, चाहे रीट का मामला हो। क्योंकि जब जांच होगी तो यह पेपर कई लोगों तक गया है, और कई लोगों तक पेपर गया तो फिर भर्ती का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे उनके परिजन हो, सभी से निवेदन है कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँचे, कल हम सब मिलकर इस आंदोलन को मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। सही कह रहा हूँ भाई, कल का आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण है, और कल आपको पता लग जाएगा कल आंदोलन में क्या होगा। इस बार लड़ेंगे, हारेंगे नहीं ना पीछे हटेंगे, और मजबूती से इस लड़ाई को लड़कर जीतेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब चैनलों पर इसको ज़्यादा ज़्यादा वायरल करिए, कि जिससे पता लगे कई लोग रात को निकल जाएंगे, वो आराम से खाना खा के 1 बजे तक शहीद स्मारक पहुँचे, क्योंकि पहले किसी का प्रोग्राम है। तो सभी का इंतजार करूँगा कल 1 बजे शहीद स्मारक। जय हिंद, जय भारत।